लैंड एंड बिल्डिंग हमारी रह गई थी शॉर्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में। लैंड एंड बिल्डिंग अगर हम होल्ड करके रखते हैं अप टू 24 मंथ्स तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगी, अदरवाइज फिर वो लॉन्ग टर्म बनेगी। अगर 24 मंथ से ज़्यादा होल्ड करके रखती हूँ तो वो फिर वो क्या बनेगी, लॉन्ग टर्म बनेगी। तो मैं सिर्फ लैंड और बिल्डिंग लास्ट वीडियो में मैं नहीं बता पाई थी, सो मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। सो हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो की कॉन्टिन्यूएशन में है ये हमारा। सो यहाँ पे हमने देखा था 5 स्पेसिफाइड एसेट्स, 5 स्पेसिफाइड एसेट्स, 5 स्पेसिफाइड एसेट्स हैं ये। अगर आप अप टू 12 मंथ्स करते हो तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, देखो ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग अगर ये अप टू 12 मंथ्स है, सॉरी अप टू 24 मंथ्स है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ठीक है, अनलिस्टेड शेयर्स हैं, तो अप टू 24 मंथ्स शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ठीक है, ये सिर्फ अनलिस्टेड के लिए, अनलिस्टेड शेयर्स के लिए है। ओके, अदर एसेट्स में अप टू 36 मंथ्स, तो वो कौन सी हो जाएगी, शॉर्ट टर्म। अरे हाँ, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या एक समरी देख ली कि कैसे कैसे है, राइट। यहाँ पे 5 स्पेसिफाइड एसेट्स हैं, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो आप रेफर करोगे तो आपको वहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिल जाएंगी, 5 स्पेसिफाइड कौन सी एसेट्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी छूट गई थी वो हमने इस वीडियो में कवर कर ली। लैंड एंड बिल्डिंग अगर अप टू 24 मंथ्स आप रखते हो तो वो शॉर्ट टर्म है, अदरवाइज वो फिर लॉन्ग टर्म हमारी बन जाएगी। और अनलिस्टेड शेयर्स है वो अप टू 12 मंथ्स है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, अनलिस्टेड शेयर्स। ओके, वहाँ पे जो 5 स्पेसिफाइड एसेट्स है ना उसमें हमने लिस्टेड की बात की थी, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की बात की थी और प्रेफरेंस शेयर्स की बात की थी। लिस्टेड इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स की बात की थी 12 मंथ्स वाले में, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में तो ऐसे ही होता रहता है। सो ऐसे आप याद रख सकते हो, याद क्या, यही रीज़न है, राइट। और इसमें अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो यहाँ पे हमने 12 मंथ्स बोला, 24 मंथ्स बोला। अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो अप टू 24 मंथ्स जो है यहाँ पे, अनलिस्टेड शेयर्स जो अगर आपके हैं तो अप टू 24 मंथ्स है तो वो शॉर्ट टर्म है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म है। सो ये कंप्लीट है, नेक्स्ट वीडियो में आ जाओ।